नमस्कार एनसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। शहरी तर्ज पर अब गांव में भी डोर टू डोर उठेगा कूड़ा। आदर्श गांव चंदावली में आज इसकी वेयरहाउस के चेयरमैन और प्रथला के विधायक नैनपाल रावत ने शुरुआत की। इस मौके पर नैनपाल रावत ने दावा किया कि एक साल के अंदर सभी प्रदेश के वेयरहाउस का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में नए 11 वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद खुले में गेहूं और धान खराब नहीं होगा। दिखाई दे रहा ये नज़ारा आदर्श गांव चंदावली का है, जहां शहरी तर्ज पर गांव में भी डोर टू डोर कूड़ा उठाने की शुरुआत की गई। इसके लिए गांव के प्रत्येक घर से कूड़ा रोजाना लिया जाएगा, इसके बदले में हर घर से रोजाना कूड़ा उठाया जाएगा। देखिए, ये हमारे आदरणीय विधायक नैनपाल रावत जी जो चेयरमैन भी हैं हरियाणा सरकार में वेयर हाउस के, तो इन्होंने एक मुहिम चलाई है हमारे से पहले, गांव से पहले इन्होंने एक फतेहपुर गांव में भी अपना एक मासा सबसे पहले शुरुआत वहीं से की है। तो एक बड़ा सराहनीय कदम है और अच्छा है, लोगों में जागरूकता आएगी। और दूसरा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी और प्रधानमंत्री जो इस पर पूरा जिनका ध्यान केंद्रित है और इस पर शिक्षा और सफाई पर पूरा उनका ध्यान है, तो उसमें एक नया मैसेज जाएगा। शहरी क्षेत्र में समस्या आ रही थी, इको ग्रीन कंपनी को लेकर कूड़ा नहीं उठा रहे, शिकायतें आ रही थी कि इस तरह के हालात यहाँ पैदा नहीं होंगे गाँव में। देखो, जहाँ तक मेरा अपना गाँव का सवाल है, हम अपने गाँव में उस तरह का नहीं आने देंगे, क्योंकि हमने अपने ग्राम पंचायत की तरफ से पहले ही 8 कर्मचारी लगा रखे हैं और इनकी तरफ से भी जो है 8-10 कर्मचारी लगाए जाएंगे। तो उसमें पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब इसमें और ज़्यादा जागरूकता आएगी लोगों में, क्यों घर घर से थोड़ा सा उसमें चंदा लेंगे हम 1 रुपया रोजाना, तो उससे एक संदेश जो है ग्रामीणों में ठीक जाएगा। पंचायत की नज़र रहेगी इन लोगों पर? बिल्कुल, पहले भी रही थी और आज भी हम अपनी नज़र रखेंगे हर आदमी पर। ठीक, तर्ज पर गाँव में भी सफाई अभियान शुरू किया गया, डोर टू डोर कूड़ा उठेगा, क्या किस तरह से रहेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री मनोहर लाल खट्टर जी और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात पर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के साथ साथ इस बात पर भी पूरा जोर है कि जो सामाजिक कार्यों में हम पिछड़ गए हैं, जो जैसे स्वच्छता अभियान है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है और प्रधानमंत्री जनधन योजना है, बहुत सारी इस तरह की केंद्र हमारे स्टेट की योजना हैं, उनको निचले स्तर पर अमली जमा पहनाने के लिए और गांवों को भी शहरों की तर्ज पर साफ़ सुथरा रखने के लिए ये एक प्रथा क्षेत्र में मुहिम चलाई गई है। इसका पीछे हमने श्री गणेश आपके फतेहपुर बलोच गांव में किया था, कस्बा जो हमारे प्रथा क्षेत्र का, और आज ये ऐतिहासिक गांव चंदावली में ये कूड़ा उठाने की मुहिम शुरू की गई है। इसका आज श्री गणेश हुआ है और यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से और अंदर गाड़ियों के माध्यम से यहाँ से जो ना एक प्राइवेट कंपनी है जो घर घर से कूड़ा उठाएगी। ये कह सकते हैं हरियाणा में पहले इस तरीके की कोई मुहिम चलाई गई है गाँव को लेकर के? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट केवल एक ही है कि हमें अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। जो कूड़ा करकट हमारे गलियों में नालियों में पड़ा होता है उसको साफ करके गांव से बाहर उसको डाला जाए और गांवों का भी विकास हम शहरों की तर्ज पर करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो योजना है, हर गांव को एक मॉडल गांव हम बनाना चाहते हैं और उसी के तहत ये योजना शुरू की गई है। वेयर हाउस के चेयरमैन भी हैं आप, किस तरह के हालात हैं वेयर हाउसों के? और क्योंकि अभी फसल भी आएगी, नई गेहूँ की खरीद होगी, कई बार अव्यवस्था रहती है वहाँ, इसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? काफ़ी मात्रा में जो हमारा अनाज है, गेहूं है, सीड्स है, धान है, जो फसल है वो खुले में रखना पड़ता था। पीछे भी सरकार ने काफ़ी इसके प्रति कार्य किया है और अब 11 है जो हमारे गोडाउन हैं वो नए तैयार हो रहे हैं। करीब 50 लाख मीट्रिक टन का अनाज का जो रखने का प्रावधान है, फसल का रखने का प्रावधान है, वो इसी साल के अंदर कर दिया जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो की घोषणा है सीएम अनाउंसमेंट से, उनाना में एक काम शुरू हो चुका है जिसमें 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं उसमें क्षमता रख सकते हैं और आगे भी कुछ साइलो टाइप गोडाउन बना रहे हैं जो आधुनिक तौर पर होंगे। क्या मान के चलें इस बार अनाज बाहर नहीं सड़ेगा, ख़राब नहीं होगा, बारिश में नहीं भीगेगा? देखिए, बिल्कुल भी एक साल के अंदर, अभी मैं इसमें नया मैंने जिम्मेवारी संभाली है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और भाजपा की सरकार ने दी है, तो एक साल के अंदर कोई भी अनाज